नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी टिप चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकड़। किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये किसी भी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में नहीं बना रहा हूं। किसान मित्रों, मैं सबसे बड़ी एक बात है, आजकल जो किसान मतलब किसानों के साथ जो हो रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किसान की जब भी किसान के घर में जो उपज आती है तब अचानक से होता क्या है कि जो बाजार में जो दाम है वो अचानक से गिर जाते हैं। जैसे कि आपने गेहूं के ऊपर देखा, गेहूं के जो दाम है आज से कुछ समय पहले 7-8 दिन 10 दिन पहले तक जो गेहूं के दाम थे वो 3100-3200 रुपए तक ऊंचे में बिक रहे थे, और जैसे ही किसानों के यहाँ पर फसल पककर तैयार हुई उसी समय पर जो गेहूं के जो दाम है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गिर गए। और सरकार ने भी ऐसे समय पर क्या किया कि उनके पास जो 20 लाख टन के आसपास जो गेहूं पिछली बार का पड़ा था उनके पास स्टॉक में, वो अचानक से बाजार में रिलीज कर दिया। और उसके पीछे का क्या हवाला दिया गया, बाजार के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, जो आटे के जो प्राइस हैं जो बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमने जो सरकार के पास जो स्टॉक में जो गेहूं था वो रोका गया है। बीच में आपने देखा होगा यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते बहुत सारा जो गेहूं था वो एक्सपोर्ट मार्केट में उसकी डिमांड थी, पर सरकार ने उसके ऊपर भी रोक लगा दी और किसानों का जो गेहूं का जो दाम उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला क्योंकि एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं और वो देश के अंदर ही रह गया। तो ये एक थोड़ी समस्या आई। चलो वो कोई समस्या नहीं है, खाद्यान्न देश की समस्या, खाद्यान्न को देखते हुए सरकार ने वो फैसला लिया था। पर जब आपने देखा मार्च मतलब ये जुलाई से लेके अक्टूबर तक जब गेहूं की बहुत ज़्यादा मारा मारी थी, गेहूं बहुत कम आ रहा था और 3200 रुपये तक पहुंच गया था, तब क्या हो रहा था, मार्केट में जो स्टॉकिस्ट है जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो उस गेहूं को बेच रही थी, बहुत महंगे दामों पर बेच रही थी। उस समय पर सरकार को उसकी जो नींद थी वो नहीं खुली सरकार की। और अब जब किसानों के यहाँ पर माल आया तो बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। एक तो होता क्या है, मार्केट एक चीज़ पर निर्भर करता है, डिमांड और सप्लाई का जो होता है वो पूरा गेम होता है मार्केट में। अचानक से अगर मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसका जो दाम होता है ना वो हमेशा डाउन ही होता है। अगर मार्केट में किसी चीज़ की शॉर्टेज है मतलब कमी है और उस समय पर कमी है तो हमेशा किसी चीज़ का भाव जो है वो हमेशा प्लस ही रहता है। किसान मित्रों, ये जो बहुत बड़ी विडंबना है कि किसानों के घर में जब भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब भी किसानों के ऊपर माल आता है, किसानों की जो उपज है वो जब भी महंगी होती है ना, तब जो जितने भी मीडिया संस्थान हैं उनको दिखता है कि यार चीज़ महंगी हो रही। जब आपने बहुत बार देखा होगा जब किसानों का प्याज जो है, जब किसान हमेशा आप पिछले साल देख रहे हैं किसानों को बिल्कुल भी प्याज का जो भाव है वो नहीं मिल रहा है। अभी आप मार्केट में जाएंगे 2-3-5 रुपये किलो पर किसानों के जो प्याज हैं वो बिक रहे हैं। अब उनको नहीं पता है कि प्याज को कमाने के पीछे किसानों ने कितनी मेहनत करी है। जब भी प्याज का जो रेट है 10 रुपये से ऊपर जाता है ना तो ये मीडिया संस्थानों की आंखें खुल जाती हैं। वो सारा काम छोड़कर जब भी कोई जो शहर की जो लेडीज़ है वो जब भी सब्जी मंडी से बाहर निकलती है ना तो उनके सामने जाकर सबसे पहले पूछते हैं और एक हेडलाइंस बना देते हैं कि ये प्याज जो है ये रुलाएगा खून के आंसू। अभी किसान जो खून के आंसू रो रहे हैं उसके पीछे किसी को भी कोई सूदी नहीं है। ये समस्याएं काफ़ी किसान मित्र फेस कर रहे हैं। मैं आपको बहुत सारे ऐसे आंकड़े बता सकता हूँ वहाँ पर सरकार की जो नीतियाँ हैं वो बहुत हद तक जिम्मेदार है, किसानों के पीछे कोई नहीं है। और जो हालत किसान की हो रही है ना उसके पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है, स्वयं किसान जिम्मेदार है। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, किसान जब तक इन पार्टियों का झंडा उठाना बंद नहीं करेगा तब तक मैं ए पार्टी बी पार्टी में सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। किसान जो है, किसान पूर्ण रूप से पार्टियों में बंटकर रह गया है। किसान जब तक किसान संगठित नहीं होगा, किसान किसान नहीं बनेगा, किसान को सबसे पहले किसान हित नहीं दिखेगा। नेतागिरी छोड़कर किसान हित में अगर किसान ध्यान देना शुरू कर देगा तो ये जो समस्या है जो किसान फेस कर रहा है, बाजार में माल आते ही बाजार की माल की जो कमी हो जा रही है, सरकार ने पिछले वर्ष से इस बार केवल 100-110 रुपये की जो MSP में इजाफा हुआ है, मैं आपको ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा कि आपकी जो आंखें मतलब आप सुनेंगे ना तो आपको सच समझ में आएगा कि क्या हो रहा है किसानों के साथ में। और किसान जो है वो पूर्ण रूप से इस समय पर किसान जो है वो बट गया है। अगर मैं ए पार्टी के अगर अपने जैसे कि मध्य प्रदेश में ए पार्टी की सरकार है, अगर मैं इस सरकार के साथ में इसके खिलाफ बोलता हूँ, किसानों के हक की बात बोलता हूँ, तो मुझे जो ए पार्टी वाले जो है, जो सत्ता पक्ष वाले हैं या जो सत्ता पक्ष जिनका है ना, उसको सपोर्ट करने वाले जो किसान हैं वो मुझे बी पार्टी वाला बोलने लगेंगे। अगर बी पार्टी वालों की सरकार यहाँ रहेगी तो मुझे ए पार्टी वाला बोलने लगेंगे। होगा यही, कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात हम पार्टियों में बंटकर रह गए, हमें कुल मिलाकर किसान हित जो है वो नहीं दिख रहा है।
जिस दिन हमें किसान हित दिखना बंद हो गया और किसानों की यही हालत हो रही है। मैं आपको एक ऑन एन एवरेज मैं जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बात करूंगा उनके फैक्ट के साथ में उनकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको वो आर्टिकल जो है वो पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। ऑन एन एवरेज आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, जो मैं चीज़ें बात करूंगा उसका जो फैक्ट है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा भी। भारत में अगर देखा जाए तो हर वर्ष लगभग 12,000 किसान जो है वो आत्महत्या करते हैं और 1995 से लेकर वर्ष 2014 तक 2,96,438 किसानों ने आत्महत्याएं करी हैं। सबसे ज्यादा जो आत्महत्याएं हुई हैं वर्ष 2004 में हुई है, उसमें 18,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं करी है। और ये जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूँ ना ये तो सरकारी आंकड़ा है, ये आप चाहें तो मैंने जो एक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है उसको खोलकर आप देख सकते हैं। और ये जैसा कि आप स्क्रीन पर एक ग्राफ देख पा रहे हैं, ग्राफ देखने के बाद भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या किसानों की कंडीशन है। वर्ष 2021 में भी 10,881 किसानों ने जो है ना आत्महत्याएं करी हैं। ऑन एन एवरेज 1995 से लेकर वर्ष 2021 का एक एवरेज निकाला जाए तो 12,000 किसान जो है ना पूरे इंडिया में आत्महत्याएं कर रहे हैं। और किसानों के ऊपर जो दिन रोज है ना कर्जा बढ़ता जा रहा है, दिन रोज बढ़ रहा है। एक चीज मैं आपको एक फैक्ट और बताता हूँ, भारत की जो GDP है उसमें जो किसान वर्ग है और किसान से जुड़े हुए जितना जो ये एग्रीकल्चर वाला जो सेक्टर है ना 19.8% या डायरेक्ट समझा जाए 20% GDP के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है, या एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी आते हैं ना उससे आता है। और भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है भारत के 58% से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। ये भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर की जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑन एन एवरेज मैं आपको एक आंकड़ा हुआ दिखाता हूँ, 1970 में जो गेहूं के जो रेट थे वो लगभग 76 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से थे, अगर एक किलो के हिसाब से देखा जाए तो 76 पैसे। वर्ष 2023 में जो बढ़कर वो 2125 रुपये हो गए। वर्ष 2022 में 2015 रुपये के आसपास जो गेहूं का मूल्य था वो था। पर मैं आपको यहाँ पर जो इतना भी कंपेरिजन बताऊंगा ना वो मैं मतलब 45 साल का कंपेरिजन बताऊंगा। अगर देखा जाए तो 45 साल में या फिर वहां से यहां तक पूरा आप समझ लीजिए कि 50 साल का 1970 से लेके 2021-22 तक का 50 साल का है। उस समय पर जब जो रेट थे गेहूं के 76 रुपये थे और आज जो है वो 2125 रुपये हैं, दोनों के बीच का जो एवरेज है ना 27% जो है मूल्य में इजाफा हुआ है। अगर हम इसी दौरान जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और जो नेता लोग हैं उनकी सैलरी के ऊपर अगर हम बात करें ना तो उनकी जो सैलरी है वो 200 से 300 गुना के आसपास बढ़ गई है। 200 गुना के आसपास जो सैलरी है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो बेसिक पे और जो उनको TADA वगैरह जितना भी मिलता है सबकी बात कर रहा हूँ, उनमें अगर देखा जाए तो 150% से ज़्यादा किसी की भी ऐसा नहीं है, 150% से ज़्यादा उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। पर किसानों के 27%, मतलब आधे से आधे का भी आधा हो रहा है। अगर 150% उनका है तो ये समझ लिए आधे का भी आधा नहीं है, ऐसी कंडीशन है। अब किसान अब सोचिए अगर उस हिसाब से देखा जाए किसान को अगर 100% भी अगर बढ़ोतरी होती ना तो आज इंडिया में जो गेहूं का जो प्राइस होता अगर 76 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर देखा जाए 100% भी गेहूं के दामों में अगर बढ़ोतरी होती गेहूं के किसानों के तो 76 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 7,600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं का दाम होना चाहिए। ये एक फैक्ट है, पर ऐसा नहीं है। किसान जो है वो कुछ भी नहीं मांगता, किसान को उसकी जो फसल का जो उचित दाम है जितनी भी सब्सिडी है सारी हटा दो। हमें किसान को ना प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि है वो भी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट सब्सिडी किसान को कुछ भी नहीं चाहिए। किसान की जो उपज है उसका जो एक्चुअल दाम है उसकी मेहनत का वो उसको मिलना चाहिए। होता है ना किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने जो खेत है वो अपने खून और पसीने से सींचता है, ये बात बड़े बड़े जो देश के महान नेता रहे हैं उन्होंने कहा है। देश में खेत में किसान और सीमा पर जवान जो है वो देश की सबसे बहुत बड़ी मतलब ये भागीदारी रखते हैं। अब इसी कंडीशन में किसान का होगा तो क्या होगा, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, सब पार्टियाँ बराबर हैं। अगर आज से पहले वाली जितनी भी पार्टियां हैं अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो किसानों की ये कंडीशन नहीं होती। और 27% अगर गेहूं के अंदर बढ़ोतरी हो रही है ना तो आप ये समझ लो कि किसान क्या करेगा। अगर मैं आपको एक बीघे का मतलब एक एकर का, इंडिया में अलग अलग लैंड कैलकुलेशन चलता है, हेक्टेयर चलता है, बीघा चलता है और एकर चलता है। एक एकर के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया में
एक एकड़ बराबर हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो है 2 बीघा के आसपास एकड़ होता है। अगर मैं आपका उसको एक खर्चा जोड़कर एक गेहूं का सबसे नॉमिनल से नॉमिनल खर्चा अगर आपको जोड़ के बताऊंगा ना, तो आप सोचेंगे कि यार बहुत नॉमिनल खर्चा है। उस ज्यादा बात करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, दिन रोज महंगाई बढ़ रही है। जो DAP की बोरी, मतलब आप समझिए कि 1,900 रुपये के आसपास आती थी, वो धीरे धीरे बढ़कर 1,350 रुपये बढ़ हो गई है। और काला बाजारी अलग है, मैं काला बाजारी के ऊपर भी आप बात करूंगा इस वीडियो में, 1,350 रुपये की हो गई है। आज से 2 साल पहले जो पोटाश की बोरी 900 रुपये की आ रही थी ना, वो इस वर्ष 1,700 रुपये की हो गई है, सरकार के प्रिंट रेट बता रहा हूँ। और रही बात काला बाजारी की, तो मार्केट में इतनी काला बाजारी है कि 270 रुपये की जो यूरिया है ना, वो सोसाइटियों के अंदर उपलब्ध नहीं होती है, और वो जो प्राइवेट दुकान है वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है, और मजबूरी में किसान को वहां से 400-500 और मनमाने दामों पर खरीदना पड़ती है। DAP की बोरी, इवन मैंने स्वयं ने 1,550 इवन 1,600 रुपये में मैंने DAP की जो बोरी है वो खरीदी है। और रही बात पोटास की, 1,700 रुपये सरकार का प्राइस है, और पोटास खरीदने के लिए किसानों को 1,800-1,900 रुपये देने पड़ रहे हैं। ये कंडीशन है मार्केट की। अब मैं आपको एक खर्च जोड़कर बताता हूँ सरकार के आंकड़ों के हिसाब से, सरकार का जो प्रिंट रेट है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। गेहूं की एक एकड़ के अंदर हमारे यहाँ पर लगभग 2 बीघा के आसपास होता है। एक एकड़ में गेहूं उगाने के लिए अगर देखा जाए तो किसान को कितना खर्च करना पड़ता है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 1 एकड़ में 19.8 क्विंटल के आसपास जो गेहूं का उत्पादन ऑन एन एवरेज भारत में होता है। और मैं उसके आधार पर आपको जोड़कर बताऊंगा कि किसान कितना गर्त में जा रहा है। आप यहाँ पर समझिए, अगर हम पहली हकाई लें तो 800 रुपये, 2 बीघे में 800 रुपये, 400 रुपये घंटे के साथ, मतलब 1 घंटा तो लगता है, और 800 रुपये घंटे के हिसाब से हमारे यहाँ पर हकाई होती है। तो 1 घंटे हकाई के 2 बीघे में 800 रुपये बनते हैं, दूसरी हकाई के भी 800। बीज जब हम किसी भी कंपनी का लेने जाते हैं, प्रमाणित बीज लेने जाते हैं, तो मिनिमम 50 रुपये किलो के हिसाब से हमें जो बीज है वो एकड़ के अंदर 50 किलो बीज भी लगाते हैं तो 2,500 रुपये के आसपास खर्चा बैठता है। रही बात बीज उपचार भी करना पड़ता है तो 400 रुपये के आसपास उसका खर्चा है। और DAP की बोरी अगर मैं सरकार के रेट के हिसाब से भी जोड़ू ना, 1,350 रुपये बनते हैं। 2 बीघे में एक बोरी डाल रहा हूँ, 2 बीघे में एक बोरी DAP, बहुत कम है ये। और साथ में यूरिया की 2 बोरी, सरकार का रेट 270 है, पर मैं यहाँ पर आपको एक ऑन एन एवरेज 300 रुपये बोरी के हिसाब से जोड़ के बता रहा हूँ, तो 2 बोरी का 600 रुपये बनता है। रही बात पोटाश की, तो एक बोरी पोटाश जो है वो 2 बीघे में जाएगा, मतलब 1 एकड़ में जाएगा, तो 1,700 रुपये उसके बनते हैं। दवाई का, हम जो खरपतवार नाशक आजकल आ गए हैं, 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए लगभग 500 रुपये का खर्च है। दवाई स्प्रे करने वाले का लगभग 150 रुपये बीघा, मतलब 1 एकड़ का 300 रुपये उसका बनता है। 800 रुपये वापस से जब हम उसमें इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड और जो जिंक वगैरह, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह स्प्रे करते हैं, तो उसका लगभग 400-400 रुपये बीघा के हिसाब से, 800 रुपये एकड़ के हिसाब से मैंने जोड़कर बताया, और 300 रुपये हमें वापस से देने पड़ेंगे। कटाई जब हम 1 एकड़ की कराते हैं तो लगभग 2,500 रुपये बीघा के हिसाब से, आपने देखा होगा उधड़े वालों का हिसाब है, मजदूरों का इतना खर्च हो गया है आजकल, 300 रुपये से नीचे कोई भी मजदूर बात नहीं करता। तो 2,500 रुपये, मतलब 5,000 रुपये के आसपास जो है 1 एकड़ का खर्च बैठता है। और जब हम थ्रेसिंग उसकी कराते हैं, थ्रेसिंग करनी पड़ेगी हमारे यहाँ पर, इतने मतलब हमारे यहाँ पर गाय पशु भी हैं तो उनको खिलाने के लिए चारा भी चाहिए, तो डायरेक्ट हार्वेस्टर हमारे यहाँ पर चल नहीं पाएगी, तो 4,000 रुपये के आसपास थ्रेसिंग बनती है 1 एकड़ के लिए। रही बात जब हम बिजली पंप वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए भी हमें सरकार को बिल पे करना पड़ता है, तो लगभग 5 HP की मोटर के लिए 1,700 रुपये के आसपास का बिल आता है। बहुत सारा है, अगर मैं ऑन एन एवरेज का जोड़ के बताऊँ तो 20-21,000 रुपये बनते हैं। और जो 19.8 क्विंटल के आसपास उस हिसाब से जोड़ के बताए तो लगभग 41-42,000 रुपये की आय बनती है, अगर मैं उसको सरकार की MSP के ऊपर बेचता हूं तो 42,000 रुपये की आय बनती है। रही बात ये जो गेहूं है, डायरेक्ट केवल खर्चा करने से तो पक नहीं गया, अब इसमें किसान की मजदूरी भी जोड़नी पड़ती है। 4 महीने से जो किसान है वो गेहूं के आगे पीछे दौड़ता है, उसको बोने से लेके कटाई तक किसान की मजदूरी अगर मैं 120 दिनों के हिसाब से जोड़ूं, 300 रुपये रोज के हिसाब से, तो 36,000 रुपये बनते हैं। और मैं 42,000 + 20,000 इसको माइनस करूंगा तो किसान जो है ना वो 16,000-17,000 रुपये माइनस में है गेहूं की खेती में। 1 एकड़ की खेती में गेहूं किसान को 17,000 रुपये का नुकसान हो रहा है, सीधा डायरेक्ट नुकसान है वो 16-17,000 रुपये का। किसान इससे अच्छा किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता ना तो और भी ज्यादा उससे पैसा बच जाता। और जब वो किसान अपने खेत के अंदर बीज जब लगाता है ना, उसी समय पर डिसाइड हो जाता है कि उसकी जो देनदारी है, जब वो गेहूं पककर तैयार होगा तो इसका जो पैसा है उसको कितना कहां कहां पर देना है, सारी चीजें पहले से डिसाइड हो जाती है। और इसी हिसाब से अगर चलता रहा तो किसान को दिन रोज आत्महत्याएं करनी पड़ेगी।
मैं आपके लिए बोल रहा हूँ किसान मित्रों, जो आज तक जो है जितने भी किसान हैं वो पार्टियों में बटकर रह गए हैं, उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है। लहसुन प्याज सभी फसलों का यही हाल है। अभी आप देखिए जो धनिया आज से 11,000 रुपये 12,000 रुपये के आसपास बिक रहा था, वो 5,000 रुपये पे आ गया है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये जो रेट अगर कम हुए ना, चलो ठीक है किसान की उपज के हुए, क्या जो आटा मार्केट में 50 रुपये किलो के आसपास बिक रहा था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी का आटा है, ये मार्केट में जैसे कि आप देख रहे हैं 10 किलो का जो प्राइस है ये अभी भी इतना ही है। रेट 2100 रुपये आ गया है गेहूं का, 21 रुपये किलो हो गया है, फिर भी जो आटे का प्राइस है वो 50 रुपये किलो है। ये आज का ताजा फोटो मैंने अमेजोन से निकाला है। क्या आप सोचिए किसान मित्रों, जब सोयाबीन के जो रेट थे वो 10,000, 9,000, 8,000 के आसपास पहुंच गए थे, तब जो अचानक से तेल के प्राइस बढ़े थे, खाने के तेल के प्राइस बढ़े थे, वो आज जब सोयाबीन का प्राइस 5,000 से लेकर 5,500 के आसपास बिक रहा है, बहुत अच्छा 5,500, तो क्या वो जो तेल के प्राइस जो 190-180 रुपये लीटर हुए थे, क्या वो कम होकर आजकल उस रेट के हिसाब से कम हुए हैं? अगर हुए हैं तो साबित करके बताएं कि हाँ वो रेट जो है वो कम हुए हैं। नहीं होगा, ये सब किसानों को बताने के लिए चीज़ें हैं। अगर सरकार सच में महंगाई पर लगाना चाहती है और वो महंगाई को लेकर अगर इतनी चिंतित है, तो आप सोचिए जो रेट जो है वो हमेशा, जैसे कि कृषि उपज का अगर रेट कम हुआ है तो इन पैकिंग ऑटो वालों का भी जो रेट है वो कम होना चाहिए, पर ऐसा आपने देखा होगा मार्केट में कभी भी नहीं होता। हमेशा गला जो काटा जाता है वो किसान कक्का काटा जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये जितनी भी पार्टियां हैं ना, ये किसान हितैषी होने का ढोंग करती है, बिल्कुल किसान हितैषी होने का ढंग करती है। मैं किसी भी पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी पार्टियों की बात कर रहा हूं। और एक चीज और, जब भी इन एमएलए और जितने भी ये जो विधायक और ये होते हैं ना, इनकी अगर सैलरी बढ़ानी होती है ना, तो सारे जितने भी संगठन है, ABCD जितने भी भारत में सारे जो संगठन है, वो सब एक में हो जाते हैं। एक सिंगल बात मार्केट में सामने नहीं आती कि इन्होंने अपनी जो सैलरी है उसके अंदर कब इजाफा हुआ। दिल्ली में अभी सैलरी बढ़ेगी, 68% के आसपास सैलरी बढ़ी है उनकी एमएलए की। किसी को पता है? कानो खान खबर नहीं होती है, कब बिल पास हो जाते हैं समझ नहीं आता है। और रही बात जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो तो सेवा दे रहे हैं, और जो राजनेता जो बने ना, ये तो अपनी स्वेच्छा से बने ना, ये तो देश की सेवा करने के लिए बने हैं, तो इनको सैलरी की क्या जरूरत है। एक चीज और, मैं एक फैक्टर आपको बताता हूँ, एक बार में जब मैं भले एक दिन के लिए विधायक बनूं या मैं 5 साल के लिए विधायक बनूं, मतलब एक कार्यकाल में आप एक बार अगर आप विधायक बन गए तो आपकी एक बार की पेंशन फिक्स हो जाती है, अगर आप 2 बार बन गए तो आपकी दूसरी बार की, अगर आप तीसरी बार बन गए ना तब भी आपको तीसरी बार की, मतलब आपको 3-3 पेंशन मिलेगी, 3 कार्यकाल की 3 पेंशन। किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को ऐसा होता है? नहीं होता। तो ये किस बात की पेंशन ले रहे हैं? और बाद में जो सुख सुविधाएं इनको मिलती है, सुख सुविधाएं मतलब आप सोचिए, इनको एयर टिकट जो होता है वो फ्री मिलता है। अब सोचिए आपको बसेस में, ट्रेन में वो अलग सुविधाएं मिलती हैं, इनको खर्च करने के लिए पैसा अलग मिलता है, सरकारी क्वार्टर अलग मिलते हैं, गाड़ियों के लिए अलग अलाउंस मिलता है, तो आप सोचिए ये किसके पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। और रही बात किसान के ऊपर आने वाली योजनाओं की, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, वो योजनाएँ कितनी खोखली होती हैं। मार्केट में मैं किसी पर्टिकुलर विभाग का नाम नहीं ले रहा हूँ, मार्केट में जैसे कि कोई योजना आई है उसमें किसान को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी, तो वो जो चीज आपको प्रदान की जाएगी ना, उसका जो पैसा है ना, वही आपको पहले से डबल करके ही बताया जाएगा, समझ रहे हैं? आपको मैं एक स्प्रिंकलर सेट के उदाहरण के हिसाब से बताता हूँ। किसी भी विभाग का जैसे कि माइक्रो मिनी स्प्रिंकलर या माइक्रो स्प्रिंकलर का एक सेट है जो किसान को खरीदना है, एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस होती है उसको खरीदने के लिए, किसान के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, लॉटरी निकलती है, लॉटरी निकलने के बाद में किसान को अपना अंश जमा कराना होता है, और वहां पर एक प्रोसेस होती है कि आपको अपना वेंडर चयन करना होगा। जैसे कि आपको एक हेक्टेयर का मिनी स्प्रिंकलर का सेट चाहिए, तो आपको वहां पर सरकार द्वारा ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं कि वहां पर आपको 10-15-20 वहां पर वेंडर हैं, उन्हीं में से किसी का एक का खरीदना पड़ेगा अगर, और उसके बाद में जो कृषक अंश है वो जमा कराना होगा। आप कृषक अंश जमा करा रहे हैं, कृषक अंश जमा कराने के बाद में आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। 50 वो जो आप कृषक अंश जमा कराएंगे ना, उसी कृषक अंश में अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, जैसे कि आपने किसी चीज़ का 50,000 रुपये जमा कराया, तो उसी कीमत में आपको मार्केट के अंदर जो है वो चीज़ उपलब्ध हो जाएगी। तो 50% सरकार जो सब्सिडी उन कंपनियों को दे रही है ना, तो वो कंपनियों को वो सब्सिडी, अगर जो चीज़ मैं सरकार से सब्सिडी में खरीद रहा हूँ वही चीज़ मुझे मार्केट में सेम रेट पर मिल रही है, तो बताएं जो सब्सिडी के नाम पर जो पैसा जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, और वो जो पैसा जा रहा है वो किसका जा रहा है,
वो हम जैसे आप जैसे टैक्स पेयर का जा रहा है, जो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब वाले प्राइवेट जॉब वाले और जितना भी टैक्स इंडिया से कलेक्ट होता है ना, वो उनका जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो वहां पर जा रहा है। तो कौन दे रहा है, वो कहां, मतलब किस चीज के लिए इतना पैसा लिया जा रहा है मार्केट में। जैसे कि एक स्प्रिंकलर सेट 50,000 का मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, 60,000 का हो जाएगा, 70,000 का हो जाएगा, पर अगर आप सरकार से सरकार के द्वारा जारी की गई योजनाओं के हिसाब से लेते ना, तो उसी स्प्रिंकलर सेट की जो कीमत है वो 1-1 लाख रुपए तक होती है। उसी में आपको सरकार जो है वो 50% सब्सिडी दे देती है। तो वही चीज़ आपको 50% में मार्केट में भी मिल रहा है, तो क्या फर्क है? आप प्रूव करके बताएं कि जो आप चीज़ जो आप दे रहे हैं वो 100%, मतलब जो चीज़ है उसके अंदर बाजार से अलग क्वालिटी है। और रही बात योजनाओं की, मैं एक चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे विभाग ऐसे ही हैं आजकल। सरकार ने ऐसी चीज़ें कर दी हैं, चाहे वो सभी विभाग की बात करें, एक पोर्टल बना रखा है, वहाँ पर से ही आपको चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। कोई सा विभाग हो, वहाँ पर सारे वेंडर आपके जुड़े हुए हैं। आपको एक डस्टबिन भी खरीदना होता है ना, तो उस वेंडर से खरीदना पड़ता है। एक गाँव की ग्राम पंचायत में भी ऐसा होता है, आपको अगर डस्टबिन भी लेना है तो आपको उसी वेंडर से लेना पड़ेगा, पहले से वहाँ पर रजिस्टर्ड है। और वहाँ पर 3-3 गुना 4-4 गुना कीमतें लगाई जाती हैं। 1,000 रुपये की जो चीज़ है उसको 4,000 रुपये में वहाँ से दिया जाएगा। तो जो पैसा उसके पीछे खर्च हो रहा है वो किसका हो रहा है और कौन पैसा कमा रहा है, आप विचार करें। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। मैं किसान को पहले किसान बनना पड़ेगा, किसान अगर आप संगठित नहीं होंगे तो ये इसी प्रकार से सरकारें आती रहेगी, सरकारें जाती रहेगी और किसान दिन रोज गर्त में जाता रहेगा। हमें जो पार्टी वाली जो मानसिकता है वो छोड़नी पड़ेगी। पहले आप किसान बने और उसके बाद में आप जो आपकी जो मानसिकता है ना नेतागिरी वाली, वो बाद में होनी चाहिए। किसी पार्टी के प्रति आपकी मानसिकता होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकारें जो आती हैं वो काम नहीं करती, सरकारें काम करती हैं, पर किसानों के लिए एक सही वे में, सही डायरेक्शन में काम करने वाली जो है ना वो सरकारें आती नहीं है। जितनी भी योजनाएं आती हैं वो कागजों पर आती हैं और कागजों पर ही ख़त्म हो जाती है। सरकार के आय दुगनी करने के जो वादे हैं वो बस कागजों में ही हैं। आप स्वयं सोचिए, मैंने आपको जोड़कर एक गेहूं के बारे में आपको बताया है, किसान की जो मजदूरी अगर 300 रुपये रोज के हिसाब से देखा जाए ना, तो किसान 16,000 रुपये माइनस में एक एकड़ में। आप विचार करिए इस हिसाब से किसान का कैसे भला हो पाएगा। आप सोचिए, हम जो किसान हैं, किसान वर्ग से जो है, हमारे भी आप देख रहे होंगे, हमें भी आगे बढ़ना है, हमें सब कुछ करना है, हमारे भी बच्चे हैं, सारी चीज़ें हमें भी करनी होती है। मार्केट में दिनों दिन जो है महंगाई बढ़ रही है और जो कृषि दवाई में जो चीज़ें हमें उपयोग करनी होती है उनका भी पैसा हमें पे करना पड़ता है। तो आप विचार करिए, मजदूरी दिन रोज बढ़ रही है तो किसान कैसे पूरा करेगा। 100 रुपये बढ़ा देने से केवल 100 रुपये की कीमत है, अभी किसानों को गेहूँ का कुछ अच्छा दाम मिल जाता, तो अभी अभी 20 लाख टन जो गेहूँ आपने ये करा है, मार्केट में रिलीज़ किया है, आप ये जुलाई के महीने में कर देते तो इतनी मारामारी नहीं होती। ऐसी कंडीशन है, कैसे किस हिसाब से किसान पूरा करेगा, उस हिसाब से आप विचार करिए। और मैं उन किसानों से बोलना चाहता हूँ कि अगर ये जो वीडियो है ये अगर आपकी आंखें नहीं खोल सकता, तो आपकी आंखें कोई भी नहीं खोल सकता, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगा है कि जो मैंने कहा है वो सत्य है, और किसान होने के नाते जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आपके दिल को छूकर जा रही है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक शेयर करें। यहाँ मेरा कोई फायदा नहीं है, पर मैं आपको आप तक एक सच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।